केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पीसीपीओ प्रदीप कुमार सिंह और सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण मौजूद रहे। उत्तर पश्चिमी रेलवे में करीब 38,000 कर्मचारियों पर यह योजना लागू हो सकेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से कर्मचारी कल्याण के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। केंद्र सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो योजना लागू की है, ये हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत गवर्न होने वाले लगभग 38,000 सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, और ये योजना जैसा कि बताया गया 1/4/25 से लागू की जाएगी, और उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं। जैसा कि बताया कि हमारे यहाँ लगभग 38,000 इस योजना में कर्मचारी कवर होंगे। लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारा जो है वित्तीय भार इस पे रहेगा, और स्कीम के गुड पॉइंट्स जो है हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी शेयर किया गया है, कैसे इसको रोल आउट किया जाएगा, क्या खासियत है जो कि एनपीएस से बेहतर है, और इस स्कीम के बारे में हम कर्मचारियों तक और भी जानकारी इसको पहुँचाने का काम करेंगे। इस स्कीम में काफ़ी फाइनेंशियल मॉडल्स को वर्कआउट करके इस स्कीम को प्लान किया गया है, और इस स्कीम में ये प्रावधान है कि जो रेलवेज है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने एसेट्स के हिसाब से अपनी लायबिलिटीज़ को देखते हुए इसके लिए फाइनेंसेस जुटाए। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं कैलकुलेशन के वो अडॉप्ट किए गए हैं इसको फंड करने के लिए। पहले फैमिली पेंशन 30% मिलता था, अब 60% है, तो वो एक अलग है। बाकी पुरानी पेंशन की तरह ही ग्रेचुटी इसमें मिलेगी,